उन्होंने तय किया कि नहीं न्याय मिलना चाहिए। अगर आज हमने इनका हौसला नहीं बढ़ाया तो कल कोई अपने हक के लिए सड़क पर नहीं आ पाए, और अगर इस देश में मांगने से कुछ मिल जाता तो हर व्यक्ति ताकतवर हो जाता। यहाँ तो लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है। हमने बहुत आंदोलन देखे हैं और इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन है, 700 लोगों ने कुर्बानी दी तब जाके हम लोग सुन। इसलिए आपसे अपील है बहादुर भाइयों बहनों, एक तो रोएगा नहीं तुम्हें से भी। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भाव खोकर रोते हो, घबराती नहीं हो, शेरनी हो वैसे तो हमारी बहादुर बहनों, लेकिन रोना नहीं है, आपके आंसू कमजोर करते हैं। आप देखो ये भावुक लोग हैं, कुछ उनसे है नहीं है भावुक, ऐसा ना हो तुम्हारे आंसू इस देश में सैलाब ला दे। क्रांति जब जन्म लेती है ना विद्रोह से जन्म लेती है, देश का इतिहास गवाह है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जब बलिदान दिए 23 साल के थे, उनको 23 साल पार हो तो जानो कि क्रांति जन्म ले रही है, आपके आंसू सैलाब पैदा कर रही है। जिस दिन अजमा के देखू तुम्हारा मनो बस आपसे कहना कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, कहना चाहती हूँ कि वो आ जाए यहाँ, इस दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, दिल्ली के लोग जय जयकार नहीं है। मेरी बात अगर तुम्हें नहीं है समझो, पहले तो ये सब लोग सीनियर लोग जानते हैं कि मैं कोई बात हल्की कहता हूँ, कहता हूँ क्या बताओ, मैं उनसे ज्यादा नहीं कहता। हथियार के बाद मैं यहाँ मैंने 5 लाख लोग उतारे यहाँ, सरकार को एक दिन में हमने हिला दिया। देखो मगर ये लड़ाई न्याय की है ना, इसलिए कह रहा हूँ जिस दिन मन करे जमा के देख रहा हूँ कह देना एक बात से कि देशवासियों ने मेरे पहले हमारे जरूर आए हमने आना। मैं उन खिलाड़ियों से भी कहना चाहता हूँ जो घर बैठे आज इनकी भी आ रही है, कल आपकी भी आ सकती है, फिर क्या करोगे, फिर किसके पास जाओगे, फिर किसको कहोगे। हमारे यहाँ तो समझाते हैं देसी भाषा में कि एक मुर्गे में आँच आती है तो दूसरा आराम से दाना खाता है, ना मुर्गे हैं ना ये मुर्गे हैं, ये योद्धा है और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप सबसे अपील है डटे रहिए और जब आप कहोगे बता देना, तुमसे हार जाएगी सरकार, हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं, देख लेना डटे रहो मैदान में, ठीक है। और जिस दिन प्रशासन के लोगों से पुलिस के लोग निवेदन नहीं, देखो भाई परसों तो काट वाट दी बिजली बिजली, आप देखो हाथ जोड़ के निवेदन, हाथ जोड़ सकते हैं कमजोर लोग हैं, आप बिजली पानी मत काटना, आप यहाँ काटोगे आप माफी कटवा देंगे मुरादाबाद वाले को, आप बेहतर जानते, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ में अगर हमारे भाई बहन तरसेंगे तो बहुत लोग तरसेंगे, वो भी तरसेंगे जिनके घर में पानी मंत्रियों के बहुत बहता है, वहीं से कटवा देंगे मुरादनगर से। हम जानते हैं पानी का इलाज पानी कहाँ से होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई हम हरियाणा के इमान हैं, बस ये बात जान लो कि अन्याय नहीं होने देंगे अपने बहन भाइयों के साथ, आप लड़ो पूरा देश आपके साथ है, मुट्ठी भर उनके मदद करो। आपके खिलाफ व्हाट्सएप मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा मानना जिनके खिलाफ चले वो समझ लो कि वो सही है, क्योंकि चलाने वालों के डीपी देख लो आप, इसने तो हटा दी, इसका भी पूछा कितने तू तो हटा दी, नहीं वो प्राइम मिनिस्टर हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उनको भी हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनको भी देश की बेटियों का सम्मान करना, देश के खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए, उनको भी इनके आंसू की कदर होनी चाहिए। अगर पगड़ी बंद गई है तो उसकी लाज तो रख लो यार, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तो इसे सुनना चाहता हूँ, ये बहुत बहादुर है, ये आवाज लगा के बताया कि इस लड़ाई को कहाँ तक लेके जाना, हम तो कब तक नहीं रुकेंगे, सही खड़े थे वहाँ फिर भी दिख रहा है नहीं किसी तरह
जैसे आपने बोला, हम सबसे पहले राम राम करते हैं, आप सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। वही है कि अन्याय की लड़ाई है, अन्याय जीतना चाहता है, लेकिन हम न्याय के साथ उठना चाहते हैं यहाँ से। जैसे लोग अंदर मिल जाएंगे तो हम आप सभी को राम राम। जैसे भाई ने हमें हौसला दिया है तो उससे और मजबूती मिल रही है, आप लोगों का प्यार देख के और समर्थन देख के। और जैसे भाई ने कहा है ना, ऐसे इन सब लेके उठेंगे, उन सब लेके उठेंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। जैसे भाई ने बताया, मैं ये संस्कार नहीं किए हैं, मैं अपने भी कोशिश करके भाई सब बड़ों का आदर सम्मान कर लिए। फिर ये भारतीय बेटियों की सम्मान की लड़ाई है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जैसे